आइए बढ़ते हैं आगे। खबर दिल्ली के संगम विहार से। आम आदमी पार्टी के विधायक दिनेश मोहनिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। विधायक की गिरफ्तारी के दौरान हंगामा भी खूब हुआ। पुलिस बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस से दिनेश मोहनिया को खींचकर अपने साथ ले गई। मोहनिया पर चार दिन पहले एक महिला से बदसलूकी के मामले में केस दर्ज हुआ था। अपने विधायक की गिरफ्तारी पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी तिलमिलाए और ट्वीट किया, जिसमें सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि मोदी ने दिल्ली में इमरजेंसी घोषित कर दी है। दिल्ली के चुने हुए विधायकों के खिलाफ फर्जी केस कराए जा रहे हैं, लेकिन दिनेश मोहनिया जिन्हें बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस से पुलिस उठाकर ले गए, दो FIR उनके ऊपर पहले से ही हैं। चार दिन पहले एक महिला से बदसलूकी का मामला उनके ऊपर था और अब एक बुजुर्ग के साथ बदसलूकी का मामला। मैं आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। अगर ये पुलिस वाले अलाउ करें तो ये पुलिस वाले मैं मीडिया पूरी तरह से भारत जाऊंगा। मैं दूसरा ये है स्थिति, मुझे लगता है कि जिस तरीके से एमएम हत्याकांड में बीजेपी के MPs का नाम आ रहा है, वो इस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लगातार ये इंसिडेंस हो रहा है। मेरा ये कहना है, कि जिस प्रकार से दिल्ली पुलिस यहाँ गुंडागर्दी पे उतारू है और आप देख रहे हैं कि अभी पुलिस इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी रोक रही है और मेरे को ये लगता है कि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस गुंडागर्दी पे उतर आई है और इस एमएम खान के हत्याकांड को लेकर जो पुलिस पे प्रेशर है उसको देखते हुए सारा ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश है। नहीं तो एक दिन में दो दो तीन तीन FIR होना अपने आप में, जिसमें कि वेलेबल ऑफेंस हैं, उसके बावजूद भी रात को 2 बजे पुलिस वाले मेरे घर पहुंच रहे हैं। आप देख रहे हैं जिस प्रकार ये पुलिस गुंडागर्दी, नोटिस सर नहीं हुआ है, एक भी ऑफिशियल नोटिस सर नहीं दिया है। देखिए 9 बजे ये लोग आए थे, CCTV फुटेज देखिए। आप महिला पुलिस है, आप दूर हाथ रखेंगे तो ज्यादा बढ़िया, हाथ खींचे नहीं, हाथ नहीं खींचे। तो ये पूरा घटनाक्रम आपने देखा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कुछ हुआ, जैसे ही विधायक साहब बैठे हुए थे मीडिया को जानकारी ही दे रहे थे, मीडिया से उनसे तमाम सवाल पूछे जा रहे थे, लेकिन इसी दौरान पुलिस वहां पहुंची और बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें वहां से ले जाया गया। हालांकि विधायक ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ ये साजिश रची जा रही है, क्योंकि एक ही दिन में दो FIR उनके ऊपर कर दी गई, जबकि ये एक बेलेबल धारा उनके ऊपर लगाई गई है, लेकिन उसके बावजूद उन्हें पुलिस बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठाकर ले गई, सफाई तक देने का मौका नहीं दिया गया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हमलावर हो गए हैं एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी की तरफ। उन्होंने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने आपातकाल से इस घटना की तुलना कर दी और कह दिया कि मोदी आपातकाल लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो महिला के साथ बदसलूकी का आरोप है दिनेश मोहनिया के ऊपर, लेकिन आरोप लगाने वाली ये महिला इस पूरे मामले पर क्या कह रही है, सुनिए। हम लोग जब वहाँ पे बैठे जाके उनके लोग धक्का मुक्की करना शुरू कर दिए कि आप यहाँ से निकलो जाओ, तो हमने पहले कहा हमें बुलाया गया था, जब नहीं माने, बिल्कुल ना मिलने को मजबूर कर दिया कि हम नहीं मिलेंगे, तब हमने नारेबाजी की। आज पानी की समस्या को लेकर दिनेश मोहनिया के यहाँ गए थे, हमें पानी चाहिए, उसने बदतमीजी से बात करी और धक्का मुक्की मारी और पानी के कहता है कि यहाँ पे ऐसा करो, खुद कर रहा है बदतमीजी तो कुछ नहीं, और यहाँ पे जब सब जने एक साथ बोले तो कह रहा है ऐसा बदतमीजी करोगे, चीखोगे चिल्लाओगे तो पानी नहीं मिलेगा।
तो महिलाओं ने अपनी आपबीती सुनाई जिनके साथ बदसलूकी हुई। इस वक्त और जानकारी के साथ नेप सराय से हमारे संवाददाता पंकज जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही अरविंद ओझा भी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले रुक करेंगे अरविंद का। अरविंद, अभी विधायक को अरेस्ट किया गया है, सिर्फ हिरासत में लिया गया है, कहाँ रखा गया है अभी, इस पर क्या जानकारी मिल रही है? जी देखिए मीनाक्षी, जो दिनेश मोहनिया है, आम आदमी के विधायक हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और जिस तरीके से वो बोल रहे थे कि नॉन अवेलेबल वारंट है, मैं आपको बता दूं कि नॉन अवेलेबल धाराएं लगी हैं। दरअसल उनके ऊपर अब धाराएं ऐड की गई हैं, जो दिल्ली पुलिस के आला अफसरों ने आज तक को बताया, उन पर 354A, B और C ये धाराएं लगी हैं, यानी महिला के साथ मोलेस्टेशन का केस दर्ज हुआ है जो नॉन अवेलेबल है। यानी ये तय हो चुका है कि अब दिनेश मोहनिया को कम से कम जेल जरूर जाना पड़ेगा और उनको अदालत से ही जमानत मिल सकती है। जबकि जो दूसरा केस है, जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है, जिस पर ये आरोप लगा है कि दिनेश मोहनिया ने एक बुजुर्ग को, जो बुजुर्ग थे 60 साल के, उनको थप्पड़ मारा, उस पर जो धारा लगी है उस पर उनको जरूर जमानत मिल सकती है। लेकिन फिलहाल नेप सराय थाने की पुलिस ने दिनेश मोहनिया को गिरफ्तार कर लिया है और उनको अब जेल भी जाना पड़ेगा, क्योंकि उनके ऊपर जो सेक्शन ऐड किया गया है, कल जो महिला थी, जो जिस महिला का आपने बयान सुना, उस महिला का बयान अदालत में पुलिस ने दर्ज कराया 164 के तहत। उसके बाद FIR में 3 अलग नए सेक्शन दर्ज किए गए हैं, 354A, B और C जो नॉन अवेलेबल है। यानी अब दिनेश मोहनिया को, जो आम आदमी पार्टी के विधायक है, उनको अब जेल जाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, हमारे साथ पंकज जैन भी इस वक्त मौजूद है नेप सराय से। पंकज, क्योंकि नेप सराय पुलिस ने ही अरेस्ट किया है यहाँ पर विधायक को, तो अभी किस तरह की तैयारी और किस स्ट्रैटेजी के साथ अब ये पार्टी आगे बढ़ेगी और क्या कुछ किया जाएगा आगे इस मसले पर? देखिए, फिलहाल राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के जो आसपास के विधायक हैं उनका सिलसिला नेप सराय पुलिस स्टेशन में आने का शुरू हो चुका है। विधायक सोमनाथ भारती, विधायक सौरभ भारद्वाज जो कि प्रवक्ता भी हैं, वो यहां पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में हमारी उनसे बातचीत होगी। और जिस तरह से ट्वीट भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया है, रणनीति यही है कि सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसमें निशाना बनाया जाए और अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें भी कहीं ना कहीं निशाना बनाने की तैयारी है। लेकिन जिस तरह से ये पूरा मामला दर्ज किया गया है, गिरफ्तार किया गया है यहां पर दिनेश मोहनिया को, पुलिस पूछताछ कर रही है। अंदर इस वक्त हम आपको बता दें कि सौरभ भारद्वाज जो कि विधायक है वो गए हैं उनसे मिलने के लिए। इसके कुछ ही देर बाद यहां पर तैयारी शुरू हो जाएगी दिनेश मोहनिया को कोर्ट ले जाने की। जी पंकज, लौटते हैं आपके पास, अरविंद लौटते हैं और डिटेल्स के लिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहां रुकना है, फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक। आम आदमी पार्टी के विधायक दिनेश मोहनिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद, इस पूरे घटनाक्रम के बाद, इसे पूरी एक साजिश बता रहे हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। ये ट्वीट अब से कुछ देर पहले उन्होंने कहा, जिसमें उन्होंने इस घटना को इमरजेंसी से इसकी तुलना कर दी। जिन लोगों को दिल्ली ने चुना है उन पर फर्जी केस कराए जा रहे हैं। दिनेश मोहनिया को टीवी कैमरों के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस से गिरफ्तार किया गया। मोदी सबको क्या संदेश देना चाहते हैं, ये ट्वीट अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री केजरीवाल ने किया। दिल्ली में इमरजेंसी घोषित कर दी है, गिरफ्तारी, छापा, डराना, धमकाना, जिन लोगों को दिल्ली ने चुना है उन पर फर्जी केस किए जा रहे हैं। दिनेश मोहनिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में पुलिस उठाकर ले गई, सफाई देने तक का मौका नहीं दिया। ये कहते हुए इस ट्वीट के जरिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को घेरा। हम रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे और खबरों के साथ।